वंदे बाणी विनायक संस्कृतालय को आपण समस्त स्वागत। तो पिले आम नवम श्रेणी संस्कृत बल्लरी समयानुवर्तिता को पढ़ुले तार दुईट भाग में विषय को बुझीते से कठिन शब्द आ संधि गुड़ी आलोचना करते। तो आज वीडियो रे आम समयानुवर्तिता संबंधित प्रश्न उत्तर गुड़ी देखा तार अभ्यास को करवा से भिडटी को लास्ट पर्यटन देख। जदि किसी भी डाउट रोचे मत कमेंट सेक्शन में पचारिपार आ जदि भिड तुम्हें हेल्पफुल रोचे ताक लाइक कर निज फ्रेंड्स मान सहित सेयार कर आग को यही भिड पाइबापी मो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को निहाती प्रेस करने जहाँफल मुझा भी भिड बनैबी तार नोटिफिकेशन तुम पाखक पहुँच पार। तेल आरंभ करवा अभ्यास प्रथम क्वेश्चन निज भाषया वाक्यद्वयन वाक्यत्रयन बा उत्तरम लिखत। निज भाषा रे माने मातृभाषा रे आमे वाक्य दुई वाक्य दुईटी वाक्य अथवा तीनोटी वाक्य उत्तर को लिखिबा। माधव प्रथम दिवसे यदा कक्षा समीपम अगच्छत तदा किम अपश्यत। माधव प्रथम दिन जेतेबेले कक्षा पाखरे पहुँचला सेतेबेले से कौन देखी। तो यह लिख जे माधव प्रथम दिन कक्षा निकट में पहुँचला बेले से देखला जे समस्त पिला कक्षा मध्य उपस्थित थिले एवं विषय मध्य आरंभ हो सारी कक्षा आरंभ हो सारी। ख द्वितीय दिवसे शिक्षक माधव किम अवदत। द्वितीय दिन शिक्षक माधव को कौन कही ना द्वितीय दिवस माधव विलंबरे आसीथिबारु शिक्षक ताको कहिले तुमे विलंबरे आसुछ एहा हेउछि अत्यंत दुखर विषय बुझेला। तो यह लिखिब तृतीय प्रश्न तृतीय दिवस माधव विद्यालय गत्वा किम अपश्यत। तृतीय दिन माधव विद्यालय को जाई कौन देखिला कौन देखिला ना तृतीय दिन माधव विद्यालय को समय पूर्व पहुँची जाइला किंतु विद्यालय फाटक बंद थिला एवं कौन से शिक्षक छात्र अथवा कर्मचारी आसी नथिले। घ माधव तृतीय दिवस कथम विस्मित अभवत। माधव तृतीय दिवस कहीं विस्मित हो गला माधव तृतीय दिन समय पूर्व ही विद्यालय को आसी जाइला किंतु तथापि गुरुजी ताको तार समय ज्ञान नहीं बोली कही थिबारु माधव विस्मित हो जाइथिला। शिक्षक सस्मितम माधवम किम अवधयत। शिक्षक स्मित हस सहित माधव को कौन बुझाइथिले शिक्षक माधव को बुझाइथिले जे विलंबरे आसीबा जेपरी साधु कार्य नुहे सेहीपरि समयर जथेष्ट पूर्वर आसीबा मध्य ठीक नुहे तुम्हे से ही समय रे निज प्रकोष्ठ रही किछ अध्ययन करबा उचित तेणु समय अजथा अपचय करबा अनुचित बोली माधव को शिक्षक बुझाइथिले। तापर द्वितीय प्रश्न आसीगला निज भाषया एक पदात्मकम अति संक्षिप्तम उत्तरम लिखत। निज भाषा रे माने मातृभाषा रे गोटे पदरे अति संक्षिप्त उत्तर दिए। मानवस्य महान गुण कह मानवर महान गुण कौन पिले ना समयानुवर्तिता। भारतीयानाम समय ज्ञानम नास्ती के वदंती एटा बुझेली भारतीय मानकर समय ज्ञान नहीं बोली क्यों माने कहुतले ना किछि मूढ़जन अर्थात किछि मूर्ख व्यक्ति एभली कही था। ओडिशा राज्य कस्य गणना अनुसार पंचांगम प्रचलित। ओडिशा राज्य रे कहांकर गणना अनुसार पंचांग प्रचलित होता है ना सामंत चंद्रशेखर। भारतीय समय गणना अनुसार भारत वर्षे किम प्रचलित। भारतीय समय गणना अनुसार भारत में कौन प्रचलित हो पंचांग आम भारत में पंचांग प्रचलित हो। लज्जित माधव शिक्षक से समीपे किम कृतवान। लज्जित माधव शिक्षक निकट में कौन कला क्षमा याचना कला। कस्मिन समय घंटानाद जात के समय घंटानाद होता साक्षात नौटा बेले ही घंटानाद होता। विद्यालय से सेवक कदा आगछत। विद्यालय सेवक केते बेले आसीथिले पंचवन नववादने अर्थात आठटा पंचावन। विद्यालय से
किम पिहितम आसीत इति माधव अपश्यत विद्यालय कौन बंद थिला बोली माधव देखिथिला ना मुख्य द्वार तार जो मुख्य फाटक व मुख्य द्वार बंद थिला बोली माधव देखिथिला। तृतीय दिवस माधव बहु प्रयासेन कस्मिन समय विद्यालय अगछत तृतीय दिन रे माधव बहु प्रयास करी केउ समय रे आसी विद्यालय रे पहुँचिथिला ना पंचदश निमेष पूर्वरु पंदर मिनिट पूर्वरु आसी पहुँचि जाइथिला। ग्राम विद्यालय कह पाठम समाप्य उच्च विद्यालय अगछत गाँ विद्यालय रे किए पाठ समापन करी उच्च विद्यालय को जाइथिला ना माधव। तेबे हेगला आमर प्रथम द्वितीय प्रश्न बर्तमान तृतीय प्रश्न संधि विच्छेदम कुरुत संधि विच्छेद आम करवा कक्षारंभ कक्षा युक्त आरंभ कक्षायाम उपस्थिता कक्षायाम युक्त उपस्थिता प्रादोदात प्रयुक्त अददात प्रादोदात प्राप्तुम युक्त असौ प्राप्तुम असौ न युक्त आगच्छति नागच्छति केन युक्त अपि केनापि तम युक्त अंतरेण तमंतरेण एकह युक्त अपि एकोपि तत्र युक्त आसीत तत्रासीत कह युक्त चित कश्चित पिले मु जहाँ भी देखुज तुमको ताको तुम लेखिनियो निज खातारे ताहल जाकि तुमर अभ्यास मध्ये हे परिबो। वर्तमान चारि नंबर प्रश्न हूँ संधि कुरुत तो ये आम संधि विच्छेद कले आम संधि करवा अर्थात संधि जोड़ा दुईट पद को जोड़ा पिहितम युक्त आसीत पिहितम आसीत तो ये समस्त संधि गुड़ी मु पढ़ेला बेले प्रथम आ द्वितीय भाग बुझेची अर्थ बुझेला समय तुम्हें देखिपार तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना आई बटन में तुमको मिल जाव। शिक्षक युक्त च शिक्षकाश्च एकह युक्त अपि एकोपि गोटे खंड आकार रही पुनः युक्त अवदत् पुनरवदत् आगमनम युक्त अपि आगमनमपि द्वारम युक्त अभितः द्वारमभितः शास्त्र युक्त अध्ययनम शास्त्राध्ययनम क्षणम युक्त अपि क्षणमपि विलम्बः युक्त न विलम्बोन न युक्त अस्ति नास्ति। पांच नंबर प्रश्न रेखांकित पदानाम विभक्ति नाम लिखत रेखांकित होता पद गुड़िकर विभक्ति से कौ विभक्ति अच्छा ताकू देखा पिता सर्वाणी साधनानी तस्मे दत्तवान तो सर्वाणी ये अंडरलाइन तो सर्वाणी यहाँ कौ विभक्ति अच्छी पिले समस्त साधन को तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन तापर सह विद्यालय अगछत सह सतल अंडरलाइन होटा कौन हम सह तौते मैंने प्रथम विभक्ति एक वचन प्रयोग हो छात्र देख भो छात्र मैं संबोधन पद लगी तेनालीराम संबोधन एक वचन होने ये जी प्रथम विभक्ति एक वचन छात्राणाम पुरतः लज्जितः अभवत छात्राणाम एटी कौन है पिले छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम माने छात्र शब्दर षष्ठी विभक्ति बहुवचन रे प्रयोग होइजे षष्ठी विभक्ति बहुवचन ता माने छात्र मानंकर हैला त पुरतः लागिजे तने छात्राणाम क्रमेण क्रमेण सर्वे छात्रः समागतः क्रमेण क्रम अनुसारे बालकेन क्रमेण तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन प्रयोग रेखांकित पदान विभक्ति कारण लिखत बर्तमान ये आम सकारण विभक्ति लिखा च पूर्व आगतवान से पूर्वर आसी तो ये स तले अंडरलाइन तो वाक्यटी कर्ता हूँ स मान से ही तो स आगतवान तेणु कर्ता रूप से प्रथम होकर आम कौन लिखा कर्तरी प्रथम बुझेला तापरे श्रीमन अहम विलंबेन नागछामी विलंबेन विलंबरे तो ये तृतीय विभक्ति विलंबेन बालकेन जपर हुए तो ये तृतीय विभक्ति हबार कारण कौन ये ना देख से मु विलंबरे आसी ना अर्थात
कामटी सरी जाएगी तो जिते बड़े फल प्राप्ति हो जाए कौन हम ना अपवर्ग तृतीय विभक्ति होता है फल प्राप्ति को बुझाऊ तेनाली कौन होपवर्गे तृतीय मम मनसी दुखम मनसी माने मनरे तो ये देख रे ठारे मानक सप्तम विभक्ति हुए तो ये आम सप्तम विभक्ति आम जाना तेज क्यों कारण सप्तम विभक्ति बोले ना मो मनरे दुख मनरे दुख तेज सप्तमी है कौन ना आधा अधिकरण से सप्तमी विभक्ति तो अधिकरण सप्तमी गच्छता कालेन सह अवगतवान तो ये कालेन रे अंडरलाइन होने ये देख तृतीय विभक्ति तेल से बुझला समय क्रम अनुसार से बुझीगला कामटी सरीगला बुझीगला से अलरेडी तो ये कामटी सरी जाइर जमी तुमको ये बुझेली जिते बड़े कामटी सरी जाइए से फल प्राप्ति हो जाए जदि तृतीय विभक्ति थाए तो आम अपवर्ग तृतीय हो तो ये हम अपवर्ग तृतीय ओडिशा राज्य पंचांगम प्रचलित ओडिशा राज्य रे पंचांग प्रचलित होता है तो ओडिशा राज्य ताले देख ये राज्य रे माने सप्तम विभक्ति हवा कथा तेनाली सप्तम विभक्ति तेले को अनुसार सप्तम विभक्ति ओडिशा नामक गोटे स्थान रे बुझे ना नहीं गोटे स्थान विशेष को बुझाऊ थी स्थानाधिकरण सप्तमी स्थान अधिकरण से सप्तम विभक्ति बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा वाक्यानी रचयत वाक्य निर्माण करवा आम ये दत्तवान दत्तवान अर्थ कौन दत्तर अर्थ हो देवा अर्थ रे तो ये अतीत काल प्रयोग हो दत्तवान एक वचन अच्छी शब्द टी राम भिक्षुकाय भिक्षा दत्तवान राम भिकारी को भिक्षा देला तस्मै तद शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन तस्मै तो आम जानते चतुर्थी विभक्ति आम दानार्थ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेणु सरल उपाय नमस्कार अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करे तो ये प्रसिद्ध उदाहरण आम लिखिद तस्मै गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः बोली प्रयोग करहब पूर्वम अर्थात पूर्वर भोजनात् पूर्वम हस्तम प्रक्षालयतु भोजन पूर्वर हाथ को धुअंतु ताले पूर्वम थिले कौन हम पे ना पंचम विभक्ति प्रयोग हम से भोजनाथ है तापर आसला क्रमेण अर्थात क्रम पिपिलिका क्रमेण गच्छन्ति पिपिलिका अर्थात पिंपुड़ी माने क्रम जाउछन्ति पुरतः अर्थात सामने सम्मुखर मातुः पुरतः शिशुः क्रीडति अर्थात माँकर सम्मुखरे बा आगरे शिशुटी खेलुचे पुरतः अर्थात आगरे अंतरण जगे द्वितीय विभक्ति होता तेणु जलम अंतरेण मत्स्या न जीवंती जल बिना माछ माने रही पारिबे नाही बंची पारिबे नाही। वर्तमान अष्टम प्रश्न देखिबा एही प्रश्न रे चारोटी विकल्प थिबो सेथुरे हमकु सठिक विकल्पटी को बाछियाकु हेबो माधव कदा कक्षारंभ इति सूचना प्राप्तवान माधव केतेबेले कक्षा आरंभ हेबो बोली सूचना पाइथिला आंसर कौन हो नववादने नौटा बेले कक्षा आरंभ हेबो बोली सूचना पाइथिला। द्वितीय प्रश्न कह माधवाय कक्षायाम उपवेष्टुम अनुमतिम प्राददात किए माधव को कक्षा रे बसिबापाई अनुमति देथिले ना शिक्षक कदा घंटानाद जात केत घंटानाद होता ना नववादने नौटा बेले घंटानाद होता के इंडियन टाइम इति उक्त आत्मप्रवचनम कुर्बंती क्यों माने इंडियन टाइम बोली कही निज को निजे ठकी था ना मूढ़ा अर्थात मूर्ख मैंने ही ये कही था कह शिक्षक से समीपे क्षमा याचनम कृतवान किए शिक्षक निकट रे क्षमा याचना करथिला ना माधव हला। वर्तमान अंतिम प्रश्न शून्य स्थानानि पूरयत तो तले कोठरी रे किछि विकल्प दे जायछि ताकू नै आमे शून्य स्थान पूरण करबा डैश अध्ययनम कर्तुम सक्यम विषयटि को मन पकाओ एठि कोन लागिबो ना किंचित अध्ययनम कर्तुम सक्यम पूर्वम आगमनम अपि न साधु अद्य अहम डैश नागच्छामि अद्य अहम विलंबेन नागच्छामि मम डैश दुखम
मम मनसि दुःखम् छात्राणां डैश सह लज्जित अभवत् छात्राणां पुरतः सह लज्जित अभवत् हेगला ताले आमे संपूर्ण विषय को पढ़ले तार प्रश्न उत्तर गुड़ी को मध्य देखिले यदि किछि भी डाउट तुम्हारे अच्छे मते कमेंट सेक्शन में पचारिबो ताले आज पाई एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे आमे अलग विषय को आलोचना करबा धन्यवाद।